सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आफ्टर अ लॉट एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क वी हैव फाइनली रिलीज अवर बायोहैक एंड चेमहैक का फोर्थ एडिशन जिसमें कई सारी नई नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं। तो क्या क्या वो चीज़ें हैं एंड क्या फोर्थ एडिशन लेना वर्थ है ओवर थर्ड एंड सेकेंड एडिशन या फर्स्ट एडिशन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो ये हमारी बायोहैक है और ये हमारी चेमहैक है। तो इस बार हमने कवर चेंजेस नहीं करे हैं क्योंकि चेंजेस जो बुक के अंदर हैं वो भी बहुत माइनर है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगा कवर चेंज करने की जरूरत है। अब इसके अंदर क्या क्या चेंज किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, फोर्थ एडिशन है तो हर साल जब भी एक एडिशन आता है तो हम उस साल के PYQs ऐड कर देते हैं। तो जैसे नीट 2023 के जितने भी PYQs हैं, जितने भी क्वेश्चंस इस बार आए हैं, वो हमने इसमें ऐड कर रखे हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ MCQ बट इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड ट्रू फॉल्स जो कि बायोहैक का पैटर्न है उस फॉर्मेट में। नाउ इसके अलावा क्या बायोहैक में कुछ ऐड किया है क्या? हाँ बिल्कुल किया है। तो इस बार अगेन हमने क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए हैं, जैसे थर्ड एडिशन में इंक्रीज करे थे, फोर्थ में भी इंक्रीज करे हैं बट उतने नहीं करे हैं। तो फोर्थ एडिशन में हमने कैलकुलेट किया तो अराउंड 500 क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं टोटल बायोहैक के अंदर फ्रॉम द थर्ड एडिशन। मतलब कि अगर हम एवरेजली देखें तो हर एक चैप्टर में अराउंड 10-12 क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, किसी में ज्यादा हुए हैं किसी में कम हुए हैं। इफ यू मे नो, नील गोयल जो कि मेरा छोटा भाई है, उसके 360 आउट ऑफ 360 आए थे नीट 2023 की बायोलॉजी में एंड उसने भी बायो को पूरा थरली फॉलो किया था अपने 11th 12th में। अब जब वो बायो को फॉलो कर रहा था तो उसने कई सारे क्वेश्चन अपने एक्स्ट्रा बनाए थे जो उसे लगता था कि NCERT में है लेकिन बायोहैक में नहीं है, तो वो क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं जो कि नील ने अपने टाइम पे बनाए थे। उन क्वेश्चन को हमने मेन चैप्टर्स में भी ऐड किया है और हमने एक तीसरी चीज़, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है बायोहैक के अंदर, वो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स इस बार हमने बनाई है जो जो चैप्टर्स में हमें लगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है और रैंडम क्वेश्चंस, काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन तो मैं देखने को मिलेंगे इस बारी, तो वो अपेंडिक्स में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपेंडिक्स ऐसी दिखती है। तो ये बुक के एंड में तुम देखोगे तो इस तरीके से अपेंडिक्स है, क्लास 11th की है। इसमें जो है ना, हमने जो जो चैप्टर्स के हमें लगे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन की नीड है वो हमने इसमें ऐड करे हैं, फिर बाद में इनके आंसर दिए हुए हैं और साथ में एक्टिव स्पेस हमने इस बार दिया है जिससे कि तुम लोगों को स्पेस मिल जाए तुम्हें अगर खुद के कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने हो तो। सो इस तरीके से अगर बायोहैक को समाप्त करें फोर्थ एडिशन को, तो थर्ड एडिशन के साथ साथ इसमें आप 2023 के क्वेश्चन एडेड हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडेड हैं, ऑलमोस्ट टोटल मिला करके 500 क्वेश्चन के आसपास। इसके बाद अगर हम चेमहैक की बात करें तो चेमहैक आपकी प्यारी सी पतली सी, ठीक है, तो इसमें इस बारी हमने क्वेश्चन अभी ऐड नहीं करे हैं, इसमें हमने 2023 के PYQs ऐड करे हैं, दैट्स इट, और कोई चेंज चेमहैक में नहीं हुआ है। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन आप सभी लोगों का कि सर अगर हमारे पास थर्ड एडिशन है तो क्या फोर्थ एडिशन लेनी चाहिए, तो आई विल से कि तुम्हें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि 2023 के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, तुम उतने क्वेश्चन तुम खुद भी ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। और बायोहैक की अगर हम बात करें तो उसमें डेफिनेटली 500 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, बट अगर तुम सोचो एवरेजली तो 500 क्वेश्चन मतलब 10-12 क्वेश्चन पर चैप्टर, तो वो उतना मैटर नहीं करता है। एंड थर्ड एडिशन तक बायोहैक काफ़ी अच्छी ऑलरेडी हो गई थी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि देखो अगर चेमहैक की बात करें तो थर्ड एडिशन सफिशियंट है, फोर्थ नहीं लेना चाहिए। बायोहैक में इफ़ यू कैन अफोर्ड देन यू कैन गो फॉर फोर्थ एडिशन, बट अगर थर्ड भी है तो वो भी इतना कुछ बुरा नहीं है। मेरे छोटे भाई ने एंड तुम्हारे से प्रीवियस जो बैचेस थे उन्होंने फर्स्ट एडिशन पढ़े हैं जो कि काफ़ी कंसाइज थे, मतलब उनमें काफ़ी कमी क्वेश्चंस थे बट फिर भी उन्होंने पढ़ के काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो आई विल से कि तुम्हारी मर्जी है बायो के केस में और चेमहैक के केस में, आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि थर्ड के साथ ही यू कैन स्टिक। नाउ कमिंग टू अगर हमारे पास सेकंड एडिशन है या फर्स्ट एडिशन है तो हमें फोर्थ लेना चाहिए क्या, तो बिल्कुल डेफिनेटली लेना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ओवर द 2 ईयर्स में बायो चेमहैक के अंदर अब, एंड अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल हो चुका है, तो तुम्हें डेफिनेटली फोर्थ एडिशन लेना चाहिए जो न्यूएस्ट एडिशन लॉन्च हुआ है। तो अब कहाँ से ले सकते हैं सर ये हम बुक्स? तो सबसे पहले देखो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें सबसे लोएस्ट प्राइस में बुक्स मिल जाएंगी जो कि है www.parthgoyal.in। यहाँ पर तुम्हें प्रीपेड और COD दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, तो तुम दोनों का इस्तेमाल करो। फिर मेरा ऐप है वहाँ पर भी तुम्हें मिलती है बट वहाँ पर केवल प्रीपेड अवेलेबल है, तो दैट्स द प्रॉब्लम देयर। थर्ड इज अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड यहाँ पर तो तुम आराम से बुक को COD ऑर्डर करो, प्रीपेड करो, रिटर्न करना रिटर्न करो, तो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। द थिंग ओनली प्रॉब्लम इज कि वहाँ पर थोड़ी बुक कॉस्टली हो जाती है। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो हमारी वेबसाइट पर जो प्रीपेड की प्राइस है वो है 1200, COD की प्राइस है वो है 1300। ऐप पर बात करें तो ऐप पर ओनली प्रीपेड ऑर्डर्स अवेलेबल एंड वहाँ पर प्राइस है 1300। अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात करें तो वहाँ पर 1500 प्राइस है। वेबसाइट पर अगर आप कॉम्बो लेते हो तो वहाँ पे आपको और एडिशनल डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो आप वो प्रेफर कर सकते हो अगर आप दोनों बुक को खरीदने की सोच रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट इट। एक और चीज़ मुझे बोलनी थी, अगर तुम्हें बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुमसे बोलूँगा कि तुम्हें इनको बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनके फर्स्ट एडिशन
फ्री में दे रखे हैं मेरे टेलीग्राम पर, मेरे ऐप पर, तो वहाँ से जाओ और उसको यूज़ करो, फ्री में यूज़ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता भी हूँ और मैंने YouTube पर भी तुम्हें मेरे तुम सर्च करोगे तो 11th की तुम्हें बायोहैक सारी लगभग मिल जाएंगी। तुम कोई भी चैप्टर का नाम लिखो उसके आगे बायोहैक लिखो, तुम्हें वो 11th के चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो मेरी वेबसाइट पर जाओ parthgauravgoyal.in, वहाँ पर मैंने फ्री में पूरी की पूरी बायोहैक दे रखी है। मेरी कैमेक तुम्हें पूरी की पूरी टेलीग्राम पर और मेरे ऐप पर मिल जाएगी, जिसकी तुम्हें लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री का यूज़ करो, लेकिन यूज़ करो क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल है, दैट द थिंग। एंड अगर तुम नीट 2023 में देखोगे तो AIR 8 तक ने इस बुक को यूज़ किया था, बायो केमिक को, और वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया 715, जिसमें कि उसके बायो और केमिस्ट्री में तो फुल मार्क्स थे। तो वही है यार कि बुक्स अच्छी हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, फ्री की यूज़ करो। और बहुत सारे बच्चे, आई विल से कि 99% बच्चे फ्री ही यूज़ कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है। तुम्हारे आसपास तुम्हारे दोस्त भी यूज़ कर रहे होंगे, तुम उनसे तुम हेल्प ले सकते हो या जैसा भी है, अगर बाय करना हो तो वो तो बेस्ट ही है। एंड अगर तुम बाय कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, तो वो बेस्ट है। इन बुक्स को बाय करके जब तुम पढ़ोगे, बिलीव मी, इनसे बेस्ट मटेरियल फॉर रिवीजन कोई नहीं इस दुनिया में। तुम एक एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट में रिवाइज कर पा रहे होगे आफ्टर रीडिंग ट्वाइस और थ्राइस द बायोहैक बुक। एंड वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं अपने टाइम पे 345 और 360 लेके आ पाया था, मेरा छोटा भाई 360 out of 360 लेके आ पाया था बायोलॉजी में, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ बायोहैक, दैट्स अ थिंग। एनसीईआरटी प्लस बायोहैक की दो चीज़ें हैं जो तुम्हें बायो में आगे बहुत आगे लेके जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लगे रहो, मजा दे रहो, बाय।